नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा क्लीनअप कैसे करना है। हमने पहले 10 रूल्स देखे थे, उसमें से देखते हैं पहला रूल। इस डेटा में क्या है, हर कॉलम में नाम चाहिए बराबर, लेकिन 1, 2, 3 जो है ये कॉलम के नाम नहीं है, उसमें डेटा आ चुका है, ये प्रॉब्लम है। ये था नंबर 1। नंबर 10 क्या है, डेटा नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट साइड की तरफ नहीं, ये भी गड़बड़ है। तो इसको बैड डेटा या नॉट क्लीन डेटा बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखिए कॉलम के लिए भी नाम है और रो के लिए भी नाम है। एक टेबल है रो वाला और दूसरा टेबल है कॉलम वाला, दोनों साथ में मिले हुए हैं, इसलिए उसको बोलते हैं क्रॉस टैब, क्रॉस टेबल एक्चुअली, लेकिन क्रॉस टैब। प्रॉब्लम कहाँ है, पहला कॉलम अच्छा है, बाकी वाले कॉलम खराब है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर थोड़ा सोचेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने पिवट टेबल बनाया है, एम्प्लॉय आईडी रो में, डेट कॉलम में और वैल्यूज का स्टेटस। ये पिवट टेबल है नहीं, लेकिन पिवट टेबल जैसे लग रहा है। तो अब देखते हैं ऐसे डेटा को पावर बी आए और पावर क्वेरी, इनका इस्तेमाल करके कैसे क्लीन किया जाए। यह है डेटा, इसको टेबल बनाने की जरूरत है क्योंकि पावर बी आई में टेबल इंपोर्ट करना अच्छी बात है। इस टेबल का नाम है प्रॉब्लम 1। अब पावर बी आई में जाके एक्सेल से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के टाइम वो पूछ रहा है कौन सा टेबल इंपोर्ट करना है। तो इस बार हम सिलेक्ट करेंगे टेबल जो है हमने अभी बनाया प्रॉब्लम 1, और इंपोर्ट करने के टाइम ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्लीन। ये डेटा तो पूरा दिख रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, ये सेकंड कॉलम से लास्ट कॉलम तक प्रॉब्लम है। शिफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस पे हमको ट्रांसपोज जैसा कुछ करना है बल्क में, एक एक रो करके नहीं, तो राइट क्लिक करके हमको चूज करना है, तो जो सिलेक्टेड हेडर है उसके अंदर राइट क्लिक करना है और चूज करना है अनपिवट। अनपिवट क्यों, क्योंकि हमने पहले देखा है कि ये पिवट टेबल जैसे लग रहा है, इसलिए हम उसको उल्टा करना चाहते हैं। अभी उसने काम कर दिया, एक स्ट्रोक में हमारा पूरा काम हो गया। अभी क्या किया हमने, 5 कॉलम सिलेक्ट किया, उसको टाइम लगता है, ये तो सादा डेटा है, रियल डेटा में ऐसे 25 कॉलम भी हो सकते हैं, टाइम जाएगा ना। दूसरा एक तरीका है जिसमें जो अच्छा कॉलम है उसको सिलेक्ट करो, ज़्यादा करके अच्छे कॉलम कम रहते बुरे ज़्यादा रहते, तो अच्छे कॉलम में राइट क्लिक करो और फिर क्या बोलना है, अनपिवट अदर मीन्स बाकी वाले कॉलम। दोनों तरीके का आउटपुट सेम है, लेकिन यह थोड़ा करने के लिए सिंपल है। अभी देखो उसका डेटा टाइप क्या है, ये नंबर है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी जैसी चीजें टेक्स्ट रखना अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी वो नंबर के पीछे पहले से 0 रहते हैं, अगर नंबर करेगा तो निकल जाएगा। ये कौन है, इसको तो पता भी नहीं चला कि उसको क्या बोलना है, एट्रीब्यूट है लेकिन यह नंबर है ना। इसको एट्रीब्यूट और वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि उसको मालूम नहीं, हमारे डेटा में उस कॉलम के लिए नाम ही नहीं था, लेकिन हमको पता है इनका नाम क्या है, डेटा को नहीं पता था, इसको डेट और स्टेटस बोल दिया, वो हमको आज से चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये डेट डेट तो है नहीं, ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 नंबर है, उसको डेट में कन्वर्ट कैसे करें। अगर हमको पता है कि कौन सा ईयर है कौन सा मंथ है तो कस्टम कॉलम ऐड कर सकते हैं, इधर इस कॉलम का नाम देंगे एक्चुअल डेट, फिर एक फंक्शन डालेंगे हैश डेट, ये एक्सेल नहीं है, ये पावर क्वेरी का फंक्शन है। 3 पैरामीटर लेना पड़ेगा, ईयर मंथ और डेट, डेट तो हमारे कॉलम से आ रहा है, वो करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला से डेट बन गई, उसका भी डेटा टाइप चेंज करेंगे डेट बोल के। इधर का 1, 2, 3 बोला, ABC मीन्स एनी,
उसको समझा नहीं है तो हमको बोलना पड़ेगा। अभी हो गया डेट बराबर से, अभी इस वाले का जरूरत नहीं है, इसको निकाल देंगे और इसको चाहिए तो रीनेम करेंगे डेट बोल के। ये हो गया हमारा डेटा, अभी हम उसको इम्पोर्ट करके उसके ऊपर जो एनालिसिस चाहिए वो आगे करेंगे। अभी जिंदगी तो इतनी सिंपल नहीं है, आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, और डेटा आने वाला है क्योंकि अटेंडेंस है ना, 6-7-8 का और डाल दिया। अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, और भी आई में जाके बोलो रिफ्रेश, हमको कुछ नहीं करना है, अभी जो भी करना है और भी आई करेगा। रिफ्रेश बोलने से वो डेटा को जो भी स्टेप हमने लगाया वापस लगाएगा, डेटा आ गया। अगर रिफ्रेश को ऑटो करना है उसका भी तरीका है, और भी आई पब्लिश करके ऑटोमेटिक या लोकल ड्राइव पे, चलिए अगर लोकल ड्राइव पे चाहिए तो डेटा गेटवे बोल के चीज़ आता है, उससे भी ऑटोमेटिक रिफ्रेश हर दिन अगर चाहिए तो हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि रोज सुबह 9 बजे रिफ्रेश कर दो। अभी ये जो चीज़ हमने की वो एक्सेल में भी हो सकती है, अगर आपके पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, 2016 से आता है, अगर नहीं है पुराना वर्जन है तो पावर क्वेरी बोल के एड इन है वो डाल दो, अलग मेनू आएगा उसमें सेम चीज है। अभी इसमें टेबल और रेंज बोलना है क्योंकि डेटा तो एक्सेल में ही है, पावर बीआई को बोलना पड़ता था फ्रॉम एक्सेल, इसको तो फ्रॉम टेबल बोलो। बाकी जो चीज हमने देखी वो सेम पावर क्वेरी एक्सेल में भी खुलता है, ये फायदा है पावर क्वेरी सीखने का। अभी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा देखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। डेटा है क्रॉस टैब, लेकिन उसमें दो टाइप का हेडर है, एक हेडर नीचे है एक ऊपर है। उसमें और एक प्रॉब्लम है, मर्ज सेल्स है। हमको याद है ना 5 नंबर का रूल था, मर्ज सेल नहीं चाहिए, उसको अनमर्ज भी कर दिया, FY19 JAN डाल दिया, तो और एक प्रॉब्लम आता है, क्या है, हर कॉलम में एक मीनिंग होना चाहिए, अभी दो हो गया, अगेन 2-3 प्रॉब्लम इधर साथ में आ चुके हैं। ऐसी चीजों को कैसे क्लीन करें? फाइनली जाके अनपिवटी करना है, लेकिन उसके पहले कुछ करना पड़ेगा। पहले मैंने इसको टेबल बनाया, एक एक्स्ट्रा ऊपर का रो ले लिया मैंने, क्यों ले लिया वो बाद में देखेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मैंने। अभी पावर बीआई में जाते हैं और पावर बीआई में ये टेबल प्रॉब्लम 10 इम्पोर्ट इमीजिएटली नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म बोलना है। अभी पावर क्वेरी खुल गया, ये पहला रो अभी हमको नहीं चाहिए, सो हम बोल रहे हैं रिमूव रोज टॉप 1। अभी हम पूरा टेबल को ट्रांसपोज करेंगे, अनपिवट नहीं, पूरा टेबल को ट्रांसपोज, मीन जो रो में कॉलम में, कॉलम में रो में। ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं, ट्रांसफॉर्म मेनू में ट्रांसपोज टेबल। सो अभी इधर FY19 20 इधर आ गया, ऊपर जो फर्स्ट रो है अभी वो हेडर बन सकता है, बराबर, सो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, हो गई बात। अभी जो रीजन कॉलम है उसका नाम गलत है, उसको मंथ बोल दें और इसको बोल देते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अभी जो नल है उसको हमको फिल करना है, फिल डाउन, काम भी हो गया। अभी देखिए ये क्या हो गया, ये डेटा पहले जैसा क्रॉस टैब हो गया ना, बराबर, पहले दो कॉलम सही है, बाकी के 4 कॉलम का प्रॉब्लम है। तो करेंगे क्या, 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसको अनपिवट करेंगे, ये हो गया डेटा क्लीन। तो इस तरह से हम पावर क्वेरी यूज करके पावर बीआई और एक्सेल में दोनों में काम कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग पे और भी वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत जल्दी वापस मुलाकात होगी, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।